गुड मॉर्निंग। सो आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डेट वाज सेंट बाय वन ऑफ यू। सो द क्वेश्चन इज इफ एक्स इज इक्वल टू टू वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो जब मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा, जब मैंने इस एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री को देखा, सो द फर्स्ट थिंग डेट स्ट्राइक इन माई माइंड इज आई कैन रेशनलाइज इट। सो फर्स्ट लेट अस रेशनलाइज इट। x is equal to 1 upon 2 plus root 3. Upon rationalization, it will become 2 minus root 3 divided by square root 2 square minus root 3 whole square. So that will finally become 2 minus root 3. अब देखते हैं, बात करते हैं, question क्या है? So x is equal to 2 minus root 3. अब अपन क्या करेंगे? I will shift this plus 2 to left hand side of the equation, and now my equation will become x minus 2 will be equal to minus root 3. इस काम को करने का एक purpose है। क्या purpose है? That I will tell you. अब अपन क्या करते हैं? Square कर देते हैं। So x minus 2 whole square will become minus root 3 whole square. So further it will become x square plus 4 minus 4x is equal to 3. So upon solving, my equation will become x square minus 4x plus 1 will be equal to 0. So this is my equation. Now I will return to my original equation. Ab ye jo original equation hai na, my task is to reduce this original equation in terms of the value that I have obtained. Theek hai? Ye kaise karenge reduce? I will tell you right now. देखो, हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो थी x cube minus x square. I guess it was minus 11x. Yes. Minus 11x plus 3. अब मुझे करना क्या है? मेरे को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है. So ideally what I will do is, यहाँ पे x cube है, ठीक है ना? एक्स क्यूब इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है? और ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर की जगह मैं ये वाले पॉलिनोमियल को पुट कर दूंगा। देखते हैं फिर क्या होता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो आई विल राइट हियर एज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जब अपन इस तरीके का ऑपरेशन करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कि हमारा जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है, लेट अस नेम दिस पॉलिनोमियल एज px, इट्स वैल्यू शुड नॉट चेंज। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, आप क्या करोगे, जो बिगेस्ट टर्म है ना, जैसे यहाँ पे बिगेस्ट टर्म वाज क्यूब, तो आप बिगेस्ट टर्म को हमारे गिवन टर्म्स के टर्म में के टर्म फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे। आप किसी और को नहीं छेड़ोगे, बिल्कुल। यू आर नॉट गोइंग टू प्ले विथ एक्स स्क्वायर, यू आर नॉट गोइंग टू प्ले विथ एक्स, और यू आर नॉट गोइंग टू प्ले विथ थ्री। द ओनली लिबर्टी डेट यू हैव इज यू कैन प्ले ओनली विथ एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब को मैंने क्या किया, मैंने एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है? और एक्स स्क्वायर की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। नाउ देयर विल बी सम एक्स्ट्रा टर्म्स हियर, डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स तो होंगे ही, और एक्स्ट्रा टर्म्स को मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो, अब एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन सा टर्म एक्स्ट्रा है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। x into x square will be x cube, fine, x cube is here. Then next term is minus 4x square, और x into minus 4x is minus 4x square. Next term here is minus x square, और x को जब मैं minus 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई एम गेटिंग माइनस 4x square. यानी कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा टर्म है दैट इज 3x square. तभी तो मेरे ओरिजिनल एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम रहेगी। नेक्स्ट इज x into 1 इज x, और यहाँ पे क्या है, माइनस 11x, तो यानी कि आई हैव टू एड माइनस 12x, तभी तो मेरे पास माइनस 11x बचेगा, और ये जो है ये 3 तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक? अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। देखो, नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग आए तो x into x square minus 4x plus 1, ठीक? Now this quantity is zero, क्योंकि ये हमें पता है कि x square minus 4x plus 1 is zero. अब यहां से इन तीनों से can I take 3 common? Yes sir, you can take. So this will also become
एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन. अब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. सो माई फाइनल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी एक्स इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो. अब इसके बाद एक स्माइली बना दो. चमक गया सबको? इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं. कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता है. बट द पॉइंट इज जब आप क्वेश्चन देखो तो आपको ऑटोमेटिकली कम टू योर माइंड क्या करूं. अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी प्लस ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस टू बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू बी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस टू बी, देन आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कहीं से मुझे एक्स स्क्वायर तो लाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, मुझे कहीं से एक्स स्क्वायर तो लेकर आना ही पड़ेगा. देखते कैसे लाते हैं. सबसे पहले देखो दिस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू बी प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस टू बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू बी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस टू बी. ठीक है, इसको आई कैन ऑल्सो राइट एक्स अपॉन वन. नाउ व्हाट आई विल डू इज अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आई विल हैव एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ रूट ए प्लस टू बी डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ रूट ए माइनस टू बी. कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो जब हम लोग क्लास में थेरम्स पढ़ रहे थे मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कैंसिल दिस टू एंड टू. सो फर्दर व्हाट आई एम हैविंग इज एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस टू बी रूट ऑफ ए प्लस टू बी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए माइनस टू बी. स्क्वायर कर देते हैं. So I will have x plus 1 whole square divided by x minus 1 whole square is equal to a plus 2b divided by a minus 2b. अब यहां पे तो मेरा एक बार और कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने का मन हो रहा है, लगाने का मन हो रहा है तो लगा देते हैं सर. x plus 1 whole square plus of x minus 1 whole square divided by x plus 1 whole square minus of x minus 1 whole square will be equal to a plus 2b plus of a minus 2b divided by a plus 2b minus of a minus 2b. ठीक है, अब आगे क्या करेंगे भाई देखो, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 2 times of x square plus 1 divided by 2 times of 2x. कैसे किया सर? x plus 1 whole square is nothing but x square plus 2x plus 1 और x minus 1 whole square is nothing but x square minus 2x plus 1. तो न्यूमरेटर में जो नेगेटिव वाले टर्म्स है वो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज हियर द साइन इज प्लस, और डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव वाले टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगे एंड जो पॉजिटिव वाले टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे. दिस इज द ब्यूटी, दैट इज व्हाई आई एम अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो. बस और कोई रीजन नहीं है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने का. सो हियर इट विल बी टू टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ बी. अब मुझे कैंसिल करने में बहुत मजा आता है. देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, आप क्या करेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म क्वेश्चन. बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक मिनट, देयर इज सम मिस्टेक हियर, लेट मी चेक. नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है. बी एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस is equal to 2ax. That means bx square minus 2ax plus b will be equal to 0. bx square minus 2ax plus b is equal to 0. I guess the original question that was sent, okay,
दिस विल बी 2b 2 into 2, क्योंकि यहाँ पे 2b है तो 4b हो जाएगा, एंड फाइनली माई वैल्यू विल बी 4 2 into bx² + b + 2b विल बी इक्वल टू 2ax, राइट। सो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे सारा का सारा, सो हियर इट विल बी bx² + b = ax। एक बार और b से मल्टीप्लाई कर दो, सो b² x² + b² विल बी इक्वल टू a(b)(x), और व्हाट आई विल हैव इज b² x² - abx + b² = 0। ठीक है, b² x² - abx + b² = 0। दिस इज व्हाट वी हैड टू कैलकुलेट। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, मिस्टेक ये हो गई थी कि जब अपन यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा रहे थे, सो -2b और -+2b तो कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में तो 2a आ गया था, लेकिन डिनोमिनेटर में 2b तो पहले से था और ये 2b पहले से था, तो 2b + 2b कितना हुआ, 4b हुआ ना, तो एक 2 यहाँ पे छूट गया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, सो दैट आई हैव रेक्टिफाइड। हाँ, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, गलती हो जाती है कभी कभी टीचर से भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था एक, जब अपन शुरू में जब अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था, तो क्या क्या है क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू द क्वेश्चन। इफ एक्स इज इक्वल टू √6 + √6 + √6 अप टू इंफिनिटी, देन आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्या होगी एक्स की वैल्यू, ये मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे भाई, लेट तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो एक्स दिया ही हुआ है, सो वी डोंट हैव टू एज्यूम एनीथिंग। करेंगे कैसे, देखो अगर आप ध्यान से देखो इस प्रॉब्लम को, सो दिस टर्म इज नथिंग बट एक्स, ये जो लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू √6 + x। फाइन, अब स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, x² = 6 + x, x² - x + -6 will be equal to 0. Fine. So we will have two values here, x² - 3x + 2x - 6 will be equal to 0. So x (x-3) + 2 (x-3) will be equal to 0. Fine. So I will have x-3 × x + 2 is equal to 0. That is x = 3, x = -2. So I will have two values of 3, two values of x. One value of x is x = 3, and the another value of x is x = -2. So here I will have to check which value of x is satisfying the equation. So if I put x = 3 in this equation, then also it is satisfying. Okay. If I put x = 3 here, then 3 = √6 + 3, which is equal to 3. So it is satisfying. If I put x = -2 here, so what will happen? Dekho, -2 = √6 - 2, which is equal to 2. अब एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर तो हो नहीं सकता ना, सो यू हैव टू रिजेक्ट दिस वैल्यू ऑफ -2 एंड योर आंसर विल बी x = 3। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर कैनॉट बी नेगेटिव। हाँ, स्क्वायर रूट फंक्शन के ग्राफ की बात करोगे सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज नॉट पॉसिबल।
ये कंफ्यूजन होता है सब लोगों में कि अगर कहीं पे स्क्वायर रूट ऑफ से 9 लिखा है तो इट वैल्यू विल बी प्लस माइनस 3. नो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज ओनली 3. सो हियर स्क्वायर रूट ऑफ 4, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 जब अपन वैल्यूज चेक कर रहे थे तो मैंने क्या किया था, देखो हाउ टू चेक, आई गॉट टू वैल्यूज, एक आ गया x इक्वल टू 3 एंड एक आ गया x इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, माई क्वेश्चन इज हाउ टू चेक. सो माई ओरिजिनल इक्वेशन वॉज x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x. अब मुझे चेक करना है वैल्यूज को. व्हेन आई विल पुट x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3, माई लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 3 एंड माई राइट हैंड साइड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 3 which is equal to square root of 9 which is also equal to 3. So my left hand side and my right hand side are equal. So no problem here. But if I put x equal to minus 2, then what I will have is minus 2 is equal to square root of 6 minus 2. Now which is equal to square root of 4. Or square root of 4 ki jo value hoti hai, wo sirf aur sirf 2 hoti hai. So here my LHS is not equal to my RHS. डोंट गेट कन्फ्यूज कि स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस होगी. स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा 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 पॉजिटिव होती है. सो द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी x इक्वल टू 3 विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट y, आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली कोफिशियंट्स कंपेयर कर देंगे. क्या किया मैंने, x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट वाई. तो हियर आई विल डायरेक्टली कंपेयर द कोफिशियंट्स. सो कोफिशियंट्स कंपेयर करने पे x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5. सो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 5 प्लस 4 और यू कैन से 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. Let us move to next question, that is question number 10. If x equal to 9 minus 4 root 5, then I have to calculate this value. Guys, जब मैंने आपको इस तरीके की expression सिखाए थे कि अगर x दिया हो तो root x कैसे निकालते हैं, so I told you in big detail that in such cases कैसे करना है. तो here I will directly use that concept. And I will say if x is equal to 9 minus 4 root 5, then I can say root x will be equal to square root of 5 minus 2. Root x will be equal to square root of 5 minus 2. So 1 upon root x will be equal to square root of 5 plus 2. Now root x minus 1 upon root x will be equal to square root of 5 minus 2 minus of square root of 5 plus 2. So it will be root 5 minus 2 minus root 5 minus 2. हो गया, ठीक है. तो ये हो गया 5 प्लस 2 हो गया. ठीक है, 1 अपॉन रूट 5 विल बी इक्वल टू रूट 5 प्लस 2. सो रूट एक्स माइनस रूट वाई विल बी इक्वल टू, ओके या, सो नाउ रूट 5 एंड माइनस रूट 5 विल गेट कैंसिल्ड. सो माय फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 4. दिस इज हाउ यू वर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो दीज वेयर सम 5 क्वेश्चंस दैट वाज सेंट बाय वन ऑफ योर फ्रेंड. सो आई हैव finally solved those questions and this is the solution of these questions. So thank you, stay safe, stay at your home. Bye bye.